चलिए बच्चों, अपन लोग जो है फास्फोरस के जो है ऑक्सी अम्ल के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर फास्फोरस का जो ऑक्सी अम्ल होता है, ऑक्सी एसिड जो होता है, वो कैसे बनता है, इसके बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से क्या किए हुए हैं, हम लोगों ने जो है क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल और बच्चे हम लोग सल्फर के ऑक्सी अम्ल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए, बहुत अच्छे तरीके से सीखे भी थे कि कैसे चीजें बनती है। अब बच्चे फास्फोरस की बारी आती है, फास्फोरस को फोड़ने की बारी आती है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, फास्फोरस की बात करेंगे, जिसका फास्फोरस का भैया एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 15 होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करते, हम एसिड्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर भाई इसके अंदर कितने तरीके के एसिड बनते हैं। तो मैं बोलूंगा बच्चे इसके अंदर जो है 5 तरीके के एसिड बन रहे होंगे। सबसे पहला बच्चे क्या होता है, फास्फोरस एसिड, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हमारा एसिड है, फास्फोरस एसिड जिसे हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चे H3PO3 होता है, H3PO3। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण जो संख्या होती है बच्चे, वो क्या होती है, 3 होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, वो आपको डेफिनेटली गजब तरीके से आ रहा होगा कि ऑक्सीकरण नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, सारे बच्चों को कंफर्म होगा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फास्फोरस का जो अम्ल है, फास्फोरस अम्ल है, वो क्या होता है, H3PO3 होता है। ये हमारा क्या एक सूत्र है, फॉर्मूला है। अब बच्चे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, उसी प्रकार मैंने पूरा का पूरा जो ओवरऑल फास्फोरस होता है, ऑक्साइड होती है, सॉरी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, उसको मैंने यहाँ टेबल में क्या कर दिया, पहले से बना के रख दिया, जिससे हमारा टाइम जो है सेव हो पाए। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए बच्चे, अगर मैं दूसरे तरीके के ऊपर बात करूँ, आपने यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको ये जो पिछले दो जो है ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सी एसिड्स पे मैंने ये आपको बताया कि कैसे उसको जो है रिलेट करते जाना है, कैसे उसको बनाते जाना है। जैसे क्लोरीन में बेटा क्या होता है, पहले हाइपोक्लोरस था, उस हाइपोक्लोरस में क्या होता है, हम प्लस जो है ऑक्सीजन ऐड करते थे तो हमको जो है क्लोरस मिलता जाता था, तो वहाँ पे प्लस ऑक्सीजन ऐड करने पर पूरा का पूरा सीरीज हमको मिल गया था ऑक्सीक्लोराइड का। लेकिन सल्फर वाले केस पे आए थे, तो सल्फर वाले केस में भी हमने कुछ ना कुछ एक जो है अपना हीरो बनाए थे, अपना जो है सबसे बड़ा जो है एक जो है फंडामेंटल बनाए थे, एक हीरो बनाए थे, उसी हीरो के सारे सारे ब्रांच फैलते जाते हैं, इसी हीरो से ही पूरा मूवी चलता है और पूरा ब्रांच जो है फैलते जाता है, होता कि नहीं बच्चा? तो उसी यहाँ पे भी हम क्या किसको हीरो बनाएंगे, इसको हम हीरो बनाने वाले हैं, फास्फोरस अम्ल को। फास्फोरस अम्ल को बच्चे हम लोग ये पूरा जो है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का, सॉरी ऑक्सी अम्ल का जो है हीरो बनाने वाले हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? हीरो बनाए मतलब इसी से ही सारे ब्रांच फैलेंगे। देखो बच्चा कैसे फैलेगा, आपको पहली बार बता दूं कि फास्फोरस जो होता है भैया, फास्फोरस अम्ल का H3PO3 होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चे, क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट, H3PO3 होता है, सॉरी H3PO3, हाँ ठीक है, H3PO3 होता है। अब बच्चे इसके जो है स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेंटर में क्या होगा बच्चा, सेंटर में पी होगा, इसके बाद बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से ऐड होगा, यहाँ पे जो है 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे इस तरीके से। देखो बच्चे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिए कि नहीं कर दिए, 3 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिए, 1 ऑक्सीजन ऐड कर दिया, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और बाकी है, 2 ऑक्सीजन और बाकी, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मैंने इस तरीके से लगा देता हूँ, तो मेरे को OH मेरे को मिल जाएगा, OH मेरे को मिल जाएगा बेटा, ध्यान समझना, OH यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, OH मिल गया सर बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, जो हमारा हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है बेटा क्या अकेला रह जाएगा, तो इस तरीके से हमको क्या मिला, H3PO3 का फॉर्मेशन हो गया, H3PO3 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ से इसकी जो अगर क्षारकता की मैं बात करूँ, इसकी अगर क्षारकता की बात करूँ, तो सारे बच्चे जो है कन्फर्म होंगे, इसकी क्षारकता कितनी होती है। क्षारकता कहने का मतलब होता है बच्चे कि जो हमारा एसिड होगा वो कितने हाइड्रोजन प्लस चार्ज देता है, कितने हाइड्रोजन प्लस चार्ज देता है, यही हमको दर्शाता है कि उसकी क्षारकता क्या हो रही होगी। क्लियर सारे बच्चे? तो इसकी क्षारकता कितनी होनी है, 3 क्षारकता होगी, मतलब इसमें 3 जो है भैया हमको मिलने वाले हैं क्षारक। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? अगर बच्चे मैं क्षारकता की बात करूं, तो क्षारकता कैसे बोलते हैं, क्षारकता को कैसे रखेंगे, यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है वो कितना निकल सकता है, कितना हाइड्रोजन आयन निकल सकता है, उसी को हम उसकी क्षारकता बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फास्फोरस अम्ल जो होगा बेटा, फास्फोरस अम्ल जो होगा, इसमें जो है क्षारकता होने वाली है, द्विक्षारकता होने वाली है। क्लियर है सारे बच्चों को? ये फंडा एकदम बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है बच्चे, यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल बच्चे स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं कि स्ट्रक्चर में कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। अब बच्चा ये तो हमारा हुआ क्या है, ये तो जो हमारा हुआ फास्फोरस अम्ल का, फास्फोरस अम्ल देखो बच्चा, फास्फोरस अम्ल हुआ, इस फास्फोरस अम्ल में ध्यान से देखो H3PO3 था, अब इसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन, एक जो ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ, एक ऑक्सीजन ऐड करता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, H3PO4, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोफास्फोरस अम्ल। तो हम यहां पे एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं फटाफट, देखो बच्चे इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या अपन सेंटर में ले आते हैं, जिससे हमको जो है, ठीक है, जिससे हमको जो इसको करने में या फिर बनाने में बेटा बहुत ज्यादा
इजी पड़ जाए, ठीक है। तो हम इसको पहले सेंटर में ले आते हैं, इस सेंटर में लेके आने से ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हो पाएगी। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया क्या? समझ में आया बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे इसको क्या करते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जब भी इसमें से क्या करेंगे, जब हम एक जो ऑक्सीजन ऐड करेंगे, एक ऑक्सीजन भैया ऐड करेंगे, मैंने लिखा भैया एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन जोड़ने पर हमको क्या मिलता है बेटा, एक ऑक्सीजन जोड़ने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पी है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो यहाँ पे ओ जो एक ओ, एक सिंगल ओ बचे, ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये जो सिंगल ओ एच है वो भी डबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ओ एच, ठीक है, और यहाँ पे भी ओ एच, और ये जो ओ एच था बेटा ये भी क्या बन जाएगा, ओ एच का फॉर्मेशन इस प्रकार करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बोल रहे होते हैं, जिसका जिसका स्ट्रक्चर का नाम होता है बच्चा, इसका स्ट्रक्चर का नाम लिखूं तो H3PO3 होता है, और इसका क्या होता है बच्चे, H3PO4 होता है। PO4 बोलने से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब बच्चे अगर मैं बात करूं इसकी दूसरे साइड की बात करूं, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन अपन लोग निकाल देते हैं। तो एक ऑक्सीजन निकालने के बाद बच्चे ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन निकालने के बाद यहाँ मैंने एक ऑक्सीजन इस तरीके से क्या कर दिया, ऐड किया, और ऐड करने के बच्चे इसी में क्या कर दिया, मैंने एक ऑक्सीजन जो है निकाल दिया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया। एक ऑक्सीजन निकालने के बाद मेरे को हाइपोक्लोरस अम्ल होगा, और हाइपो कहने से ही हमको ये समझ आ जाता है कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक होने वाली है। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाली, एक होने वाली, फ्लोरस अम्ल के बारे में बात करता हूँ, फॉस्फोरस अम्ल के बारे में बात करता हूँ। अब हाइपोफॉस्फोरस की बात करूँ तो वो कैसे बनेगा, देखो बच्चे एकदम बहुत ज्यादा ही मक्खन तरीके से देखो, ठीक है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा बिल्कुल बच्चे। अब देखो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया और एक जो है OH बचा हुआ है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो एक सिंगल H है, उसके बाद OH है, OH में से एक हाइड्रोजन सॉरी एक ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा, HHOH, यही हमारा क्या होता है बेटा, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। क्लियर है बच्चे? इसको मैं जो फॉर्मूला लिख देता हूँ फटाफट, यहाँ पे H3PO2 बनता है, H3PO2 बनता है, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब बच्चे ये तो फटना समझ आ गया, ये सारी चीजें मेरे को समझ आ गई सर, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मेरे को समझ में आया होगा। अब बच्चे अगर मैं इसको थोड़ा सा जो ऊपर लेने की बात करूँ, थोड़ा सा कैसे ऊपर लेके जाएंगे भैया इसको, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करता हूँ। जब हम लोग जो है क्या करते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को दोगुना करते हैं, क्या करते हैं इसका दोगुना। देखो बच्चे अगर मैं जो है H3PO4 को 2 से इंटू कर, 2 मोल से इंटू कर, तो ये क्या हो जाता है 2 मोल से इंटू करने पर, इधर मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको 2 मोल से इंटू करता हूँ तो ये क्या बन जाता है H3, इधर मैं लिख देता हूँ भाई जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 मोल से इंटू कर दूंगा H3PO4 को, तो ये क्या बना देगा बाबा, देखो ध्यान से H6P2O8 बना देगा, H6P2O8 बना देगा। क्लियर है बच्चा? अब इसमें से बच्चे इसमें से हम जो है हाइड्रोलाइज करने पर H2O को जो है निकाल देने के बाद, पानी को निकाल देने के बाद बच्चे मेरे को क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, पानी को निकाल देने के बाद H4P2O7 मेरे को इस तरीके से मिल रहा होगा, क्या बच्चा, O7 मेरे को इस तरीके से मिल रहा होगा। तो ये हमारा क्या होता है बच्चा, देखो H4P2O7, ध्यान से देखो H4P2O7, ये हमारा क्या होता है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल होता है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चा, ध्यान से देखो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला तो है। देखो अब बच्चे ये मैंने क्या कर दिया, देखो ध्यान से कहाँ गया, हाँ ये देखो, अब बच्चे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में पहले दोगुना किया उसका मोल को, पहले उसको मोल को दोगुना किया, और दोगुना करने के बाद वहां से H2O को बाहर निकाल दिया, H2O बाहर निकाला। अब H2O बाहर जब निकालूंगा तो मेरे को ये कि लास्ट में क्या मिल जाएगा बेटा, ये देखो फॉर्मूला देखो, H4P2O7, यही हमारा क्या होता है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल होता है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल होता है। तो इसको भी इसका स्ट्रक्चर बने बेटा फटाफट, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, देखो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अपन जो है दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा जो है जगह भी बन जाए, कि चीजें कैसे होती है, जगह भी तो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखो बच्चे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे अपन को क्या करना है, H4O2 P2O7 अपन को ये बनाना है, ठीक है, क्या बनाना बच्चा,
P4H2O7 जिसको अपन बोलते क्या है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल बोल रहे होते। ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान से देखते बचना है ना बच्चा। यहाँ पे पायरो का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, पायरो पेरोक्सी मतलब यहाँ पे दो ऑक्सीजन बॉन्ड बनते हैं, दो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला। तो भैया यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे फॉस्फोरस जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा इस प्रकार ऑक्सीजन से, और यहाँ पे क्या होने वाला है OH होने वाला है, यहाँ पे भी बच्चा हमारा क्या होने वाला है OH होने वाला है, और यहाँ पे मेरा जो ऑक्सीजन है इस प्रकार से होगा, और इसके जो एक साइड पे भी एक जो है हमारा जो है एक यूनिट लगने वाला है, मतलब भैया यहाँ पे एक फॉस्फोरस इस प्रकार से अटैच्ड होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो जैसा था वैसा रहने वाला है, और यहाँ पे OH OH मेरे को मिल जाएगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। काउंट कर लो सकते हो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन चार, मतलब एक दो तीन चार चार हाइड्रोजन है, और देखो P2 की बात करूँ P2 और O7 की बात करूँ यहाँ पे दो दो तीन चार पाँच छः सात सात मेरे को मिल गया। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोगों ने क्या किया पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण कर दिया। किसका पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण कर दिया। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर सारे बच्चों को। अब इससे मैं एक जो है स्टेप आगे बढ़ता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ क्या होता है देखो ध्यान से। यहाँ पे अपन को थोड़ी सी जगह की जरूरत है, तो जगह की जरूरत है बेटा तो क्या कर देंगे इसको थोड़ा सा क्या करेंगे छोटा कर सकते। चलो यार दूसरा साइड ही ले लेते हैं, ठीक है दूसरा स्लाइड लेते हैं। अब बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पे देखना जो क्या हुआ पायरोफॉस्फोरिक जो अम्ल था इसमें से एक जो है ऑक्सीजन निकल गया है। क्या निकला एक ऑक्सीजन निकला ध्यान से देखो ठीक है। क्या हुआ H4P2O7 था ये हमारे कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। अब इसमें से एक ऑक्सीजन निकला तो मेरे को क्या मिल गया H4P2O6 जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे बच्चा हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल था और ये है बच्चा हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। तो हमको क्या मिल जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बच्चे तो इसके लिए अपन अलग से स्लाइड लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे क्या होगा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था देखो ध्यान से ये हमारा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल था। यहाँ पे क्या हो गया था जो ऑक्सीजन जो है एक सिंगल बॉन्ड से ऐसे लगा हुआ था, यहाँ पे जो बॉन्ड था वो हट जाएगा जो ऑक्सीजन ये पूरा हट जाएगा क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन एक निकल रहा है। तो मैं ये वाला ऑक्सीजन निकल तो इनको जो है बॉन्ड में रखना पड़ेगा। अब बॉन्ड में रखने के लिए क्या करेंगे बच्चे ये जो है पीना ये पिए। अब सिंपल सवाल सोचो कि हमारा जो पी है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड में है, इस ऑक्सीजन के साथ जो है बंध में है। अब बंध में है बेटा तो ये ऑक्सीजन मैंने हटा दूंगा, ये ऑक्सीजन जब हटाऊंगा तो इनके बीच में बॉन्ड कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये डायरेक्ट क्या करेंगे बॉन्ड बना देंगे, डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे। तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे देखो बच्चा ठीक है ये क्या बना H4P2O6 बनाया ठीक है जिसको अपन बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। कैसे बना देते देखो पी डबल बॉन्ड ओ बनाया और सेम यहाँ पे क्या था बच्चा यहाँ पे OH और यहाँ पे बच्चा OH ठीक है OH यहाँ पे बना दिया ठीक है। इसको थोड़ा सा से फैला लेते हैं अपन, ये हमारा OH और यहाँ पे P के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे OH ठीक है यहाँ पे भी OH। अब बच्चे काउंट कर लो फटाफट हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं चार हाइड्रोजन मिल गए, ऑक्सीजन कितने छः ऑक्सीजन, यहाँ पे दो चार ऊपर में दो छः तो छः ऑक्सीजन मिल गए और साथ में बेटा P2 था हमको P2 भी मिल गया था। इस प्रकार से बच्चे हमको क्या मिल गया हाइपो ठीक है इसको लिख देते हैं फटाफट देखो अच्छे से ठीक है अच्छे से लिखते हैं भाई हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल मिल गया ठीक है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। इस प्रकार से बच्चे पूरा का पूरा जो हमारा फॉस्फोरस के जो ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सी जो है अम्ल थे ऑक्सीक्लोराइड नहीं ऑक्सी अम्ल जो थे वो अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिए बच्चे। ये जो है थोड़ा सा स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। इसके पहले वाले का बेटा ये इसको बहुत गजब तरीके से सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि मैंने कैसे कैसे चीजें की, जो प्रोसेस से मैंने बताया बेटा उसी प्रोसेस को आप लोग फॉलो करोगे तो सारे अच्छी चीजें आपको जो है समझ में आ जाएगी क्लियर सारे बच्चों को। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोगों ने जो पूरा का पूरा हमारे पी ब्लॉक के जो एलिमेंट थे सारे के सारे पढ़ चुके। अब बच्चे इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब लोग आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे मेरे को जो शायद डिस्कशन करने की नीड नहीं है क्योंकि बच्चे मैंने जो है जितना ओवरऑल जो टॉपिक था वो यहाँ पे बात कर चुके हैं। और एक बात याद रखना बच्चे जो फॉस्फोरस था उस डिफरेंस को करके ही जाना है। किसमें बेटा कौन सा डिफरेंस होता था दिखा दो बच्चे। ये देखो भैया हमारा जो सफेद वाला जो फॉस्फोरस श्वेत फॉस्फोरस और बच्चे लाल फॉस्फोरस होता है इसमें जो डिफरेंस होता है उसको करके जाना एग्जाम्स में बच्चे ठीक है। इसको जो एग्जाम्स में करके जाना, बाकी क्वेश्चंस को यहाँ पे मेरे को डील करने की नीड नहीं है क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चंस मैंने अप्रोक्स कैलकुलेट जो है अप्रोक्स जो है बता ही दिया कि कैसी चीजें होती है। और बाकी जो लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से तो वो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, वापस यहाँ पे कोई भी डिस्कशन करने की नीड नहीं है किसी भी बच्चों को ठीक है। हम इसी प्रकार बच्चे ये वीडियो लेक्चर जो है पी ब्लॉक का था यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर किसी भी बच्चों को यहाँ पे और वीडियो चाहिए रहेगा तो बच्चा वो क्या करेगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि सर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हमको डील करा दीजिए, तो बच्चे वहाँ पे एक पर्टिकुलर वीडियो हम लोग आपको दे देंगे ठीक है बच्चा। तो अभी के लिए बच्चे वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा।